तो फायरबोल्ट ने अपनी एक और स्मार्ट वॉच मार्केट में लॉन्च कर दी है। फायरबोल्ट हरिकेन प्राइसिंग है इसकी 2000 रुपए। इसका परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आप भी कम बजट में एक अच्छी बिल्ड वाली स्मार्ट वॉच परचेस करने की सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। बॉक्स के टॉप में फायरबोल्ट हरिकेन मेंशन किया गया है। राइट लेफ्ट एंड पीछे के पार्ट में इसके स्पेसिफिकेशन मेंशन किए गए हैं, जिसके ऊपर आगे हम डिटेल में बात करेंगे। प्राइसिंग यहाँ पर मेंशन की गई है 899 रुपीज। तो अब इसकी अनबॉक्सिंग हम कर लेते हैं। मैग्नेटिक चार्जिंग केबल, कुछ डॉक्यूमेंटेशन, फिजिकल ओवरव्यू देखा जाए तो वॉच का डायल टोटली मेटल कंस्ट्रक्शन में आता है। राइट पार्ट में फंक्शन बटन है, पीछे के पार्ट में सेंसर्स एंड चार्जिंग पिन है। स्ट्रैप की क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी, काफी सॉफ्ट स्ट्रैप है, बकल इसका मेटल बिल्ड दिया गया है। वेट हम चेकआउट कर लेते हैं, 46 ग्राम इसका वेट है। तो अब इसको ऑन करके इसकी ऐप के साथ हम सेटअप कर लेते हैं। तो ऐप का नाम है द फिट, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो वॉच को ऐड करने के लिए आपको जाना है ऐड डिवाइस पे। तो यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा हुआ चुका है, इसमें हम क्लिक कर देते हैं एंड ये सक्सेसफुली आपस में पेयर हो चुके हैं। तो इसमें 1.3 इंच की 2040x2040 पिक्सल रेजोल्यूशन की TFT डिस्प्ले दी गई है। 2.5D कर्व्ड इसकी एजेस हैं, जिससे इसका लुक काफी इनहेंस हो जाता है। कलर रिप्रोडक्शन इसका ठीक है TFT के हिसाब से। सनलाइट विजिबिलिटी भी ठीक है TFT के हिसाब से। रेस टू वेक का फीचर भी इसका काफी अच्छे से वर्क करता है। 7 डेज का बैटरी बैकअप कंपनी क्लेम करती है मॉडरेट यूजर्स में, बट अगर आप इसको हैवी यूज करते हैं तो 3 से 4 दिन तक काफी आराम से आप इसे यूज कर सकते हैं। IP67 ये रेटेड है, तो अगर इन्वर्टर पानी के अंदर 30 मिनट तक भी रहती है तो उसमें कोई भी इशू नहीं आने वाला है। आप इसको शावर एंड इवन रेन में भी यूज कर सकते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें दिया गया है ब्लूटूथ 5.0। वॉच फंक्शनलिटी देखी जाए तो इसमें इनबिल्ट 5 वॉच फेसेस दिए गए हैं। ऊपर से नीचे स्वाइप करके इसका टॉगल मेन्यू ओपन हो जाता है, जहां पे इसके सभी फीचर्स दिए गए हैं। बैटरी सेवर, थिएटर मोड, उसकी ब्राइटनेस से कम हो जाती है, टॉर्च ऑप्शन, वाइब्रेशन मोड, ब्राइटनेस ऑप्शन, सेटिंग, इसमें काफी सारे ऑप्शन है। स्टॉप वॉच, अलार्म, टाइमर, मेन्यू व्यू, ग्रिड व्यू या लिस्ट व्यू आपको चाहिए, ब्राइटनेस, वाइब्रेशन ऑन, थिएटर एंड रिसेट ऑप्शन। वॉच का टच एंड यूआई रिस्पॉन्स काफी अच्छा है, मुझे काफी स्मूथ इसका यूआई फील हुआ, बिल्कुल मुझे लैग यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहा है। राइट से लेफ्ट स्वाइप करके इसकी शॉर्टकट्स ऐप ओपन हो जाती हैं। सबसे पहले है एक्टिविटी ट्रैकर, अगला है हार्ट रेट एंड SpO2, वेदर ऑप्शन, शटर का ऑप्शन इसमें दिया गया है, तो अपनी वॉच का रिमोट आप यूज कर सकते हैं अपने फोन से सेल्फी वगैरह क्लिक करने के लिए। म्यूजिक प्लेयर का ऑप्शन है, तो अपने फोन की म्यूजिक को आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ब्रेथ फीचर, तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो ये काफी काम का फीचर है। तो अब इसके हार्ट रेट एंड ब्लड ऑक्सीजन को हम चेकआउट कर लेते हैं, ऑक्सीमीटर भी हमारे पास है। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं हार्ट रेट को, तो वॉच में आ रहा है 82, इसमें आ रहा है 70 के आसपास। अब चेक कर लेते हैं हम SpO2, तो वॉच में आ रहा है 96%, इसमें आ रहा है 99%। तो SpO2 इसका इतना एक्यूरेट नहीं है। लेफ्ट से राइट स्वाइप करके इसका मेन्यू ओपन हो जाता है, तो मेन्यू इसका काफी इंटरेस्टिंग दिया गया है, दिखने में काफी कूल लगता है। तो यहाँ पे इसके सभी फंक्शंस हैं। सबसे पहले दिया गया इसका स्पोर्ट्स मोड, तो इसमें टोटल 30 स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं, जो एक अच्छी बात है इसके लिए। इसके अलावा हार्ट रेट, स्लीप मॉनिटरिंग, स्टेप काउंटर, गेम भी इसमें दिए गए हैं। Young Bird and 2048 ऐप यहाँ पे यूज़ की गई है, द फिट ऐप, तो एक थर्ड पार्टी ऐप है। ऐप काफ़ी अच्छी है, फायरबोल्ट अपनी काफ़ी सारी वॉचेस में इसको यूज़ करती हैं एंड काफ़ी अदर ब्रांड्स भी इस ऐप को यूज़ करते हैं। तो इसके होम पेज में ही आप सभी फिटनेस डेटा चेकआउट कर सकते हैं, स्टेप्स, स्लीप, हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन। अगला ऑप्शन है वॉच का, वॉच फेसेस, तो इसमें 5 इनबिल्ट वॉच फेसेस दिए गए हैं। एक इसमें कस्टम वॉच फेस है जिसको आप एडिट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो इस वाले पिक को हम लगा देते हैं टिक। इसके अलावा इसमें क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस भी दिए गए हैं, बोथ एनालॉग एंड डिजिटल वॉच फेस आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। टोटल इसमें वॉच फेस दिए गए हैं 92। तो इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। डाउनलोड, नोटिफिकेशंस, तो जिस भी आपको नोटिफिकेशन आपको अपनी वॉच में चाहिए उसको हम यहाँ से ऑन कर सकते हैं। अलार्म, शटर, अदर्स में काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ड्रिंक वाटर रिमाइंडर, वेदर ऑप्शन, साइकोलॉजिकल साइकिल रिमाइंडर एंड गूगल फिट ऐप के साथ भी अपना फिटनेस डेटा आप सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके सेंसर्स की, जिसके लिए कोई भी एक स्मार्ट वॉच को परचेस करता है। तो सबसे पहले हार्ट रेट एंड SpO2 की बात की जाए तो वो मुझे इसके ठीक लगे, बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, 19-20 का फर्क है, जैसा मैं ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूं एंड मैं काफी सारे वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि जो सेंसर्स होते हैं वॉच के वो मेडिकल यूज के लिए नहीं होते हैं, सिर्फ एक आइडिया के लिए आप इन्हें यूज कर सकते हैं। सेकंड आते हैं स्टेप काउंटर की तरफ, तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने 10 स्टेप्स लिए बट वॉच ने काउंट किए 17 स्टेप्स। तो स्टेप काउंटर का मैं 19-20 भी नहीं बोल सकता, एक्यूरेट तो ये बिल्कुल भी नहीं है। अब बात आती है स्लीप मॉनिटरिंग की, तो उसमें काफी परफेक्टली परफॉर्म करता है। कुछ दिनों से मैं इसे यूज कर रहा हूं, तो तकरीबन रात को मैं 2:30 बजे के आसपास सोया था एंड सुबह मैं उठ चुका था 8:30 बजे के आसपास एंड इसने ऑलमोस्ट उतनी ही टाइमिंग इसमें मेजर करी। थोड़ा सा 5-10 मिनट का फर्क मिल सकता है बट ये काफी क्लोज है अगर इसका प्राइस पॉइंट देखा जाए। तो अब बात आती है कंक्लूजन की, आपको ये वॉच को परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले प्राइसिंग देखी जाएगी, सिर्फ 2000 रुपए इसकी प्राइसिंग है एंड 2000 रुपए के अंदर आपको अच्छी बिल्ड मिल रही है, मेटल बिल्ड का सपोर्ट मिल रहा है,
67 की रेटिंग है, काफी सारे वॉच फेसेस हैं, बट अगर आप एक फिटनेस एंथुसियास्ट हैं, आपको फिटनेस एक्टिविटी ट्रैक करनी है एंड उसके लिए आपको एक वॉच चाहिए तो इसके सेंसर्स आपको थोड़ा सा निराश कर सकते हैं। बट अगर आप एक कैजुअल यूजर हैं, आपको सिंपल एक वॉच चाहिए, इसमें काफी सारे वॉच फेसेस हो, बिल्ड काफी अच्छी हो जो IP67 की रेटिंग के साथ आती हो, तब आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, वेलकम आज का वीडियो। तो आपको ये वॉच कैसी लगी, क्या आप इसे परचेस करना पसंद करेंगे एंड इससे रिगार्डिंग अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सभी क्वेश्चंस का आंसर करता हूं। तो मेरा नाम ऋतिक एंड मैं मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।